हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आजकल जो हमारे गाँव का व्यू है ना, वो कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और ऐसे वाला व्यू बन जाता है। धुन 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 पड़ जाती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। तो सुबह के 7 बज रहे हैं, अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आज बन रही है स्टफिंग वाली रोटी, वो भी गुड़ की स्टफिंग वाली रोटी। किसी दिन मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी बटर के साथ। आज मैंने बनाई है गुड़ वाली मीठी स्टफिंग की रोटी। उसके बाद चलते हैं अपने आंगन में, जो मैंने भिंडी बीजी है उसको देखते हैं कि वो उग गई है कि नहीं उगी। पहले कर देते हैं ब्रेकफास्ट। ये देखो हमारी भिंडी उग भी गई है। एक यहाँ ये तो ये थी वो पहले वाली, और ये वो नई वाली उग गई है। ये देखो उगी रही है अभी वो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये वो पहले वाली है, ये पहले वाली है, ये उधर बाद वाली है। इधर अरे बॉस जी जी, नो 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 नो, घास नहीं खाते, घास नहीं खाते, गंदी बात होती है ना। एक पेड़ भी उगा हुआ है पत्थरों के बीच, इतनी उपजाऊ मिट्टी है, आगे राजमा उगी हुई है। एक दाल तो इसमें हो ही जाएगी, ये देखो, और इसमें डंडा लगा दिया ऊपर सपोर्ट के लिए। एक पेड़ यहाँ भी उगा हुआ है। एप्पल का शाही यम्मी यम्मी है, यम्मी यम्मी है, और खाएंगे हुँ? और खाएंगे आप टू टू दो 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 टू। ये देखो दांत अच्छे से आए नहीं है, आगे वाले दो दांत तीन दांत जितने भी है उससे खाएगी ना। पापा, अभी मैं जा रही हूँ खेत और खेत का रास्ता, ये देखो ऐसा ऐसा, और ये है राजमा बीजी हुई खेत में, सोनू और बंटू का खेत, ये देखो अभी कुछ दिन पहले ही बीजी थी, ये उग गई है। और अभी ना जो वो बीज होता है ना, देखो अभी ये भी नहीं निकला इससे, और आज भी वहाँ आलू खोदने वो नेपाली भाई लोग आए ना, तो वहीं जा रही हूँ मैं भी। तो अभी आए हैं जी खेत को, ये देखो पीछे नहीं, वो दो दीदियाँ भी आई है आज, दीदी जी और वो दूसरे भैया खोद रहे हैं आलू, उनको घास लग गया। देखो हरा अखरोट तोड़ के देखे इसको कैसा होगा, ये आलू खुद खुद करती होगी। अब इसका ये बाहर वाला निकालना पड़ेगा, अभी तो अंदर से हरा लग रहा मुझे, इसको निकालते हैं ज़रा। बचपन में जो ये इसका छिलका है ना, इसकी मेहंदी लगाने के काम करते थे हम लोग, मेहंदी लगती थी इससे, आगे से खराब हो जाते थे आप। चलो निकालते हैं ज़रा इसको, कैसे वाला वॉलनट होगा। ये देखो ये सड़ा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ इसको खोल के।
तो गाएंगे ना गाना। ये देखो जी, इनको मैं परसों से रिक्वेस्ट कर करके थक गई हूँ, एक गाना ही नहीं गा रहे है। बस ये आलू 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 एक आ, वो देखो वो जैकू भी गा रहा है आपके साथ, बाजा बजा रहा है, वो पीछे से गा दो थोड़ा सा अब तो। ये बस आलू 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 खाओ आलू। आपसे आपके नेपाल से भी देख रहे होंगे आप लोगों को भी, हाँ ऐसे बोलेंगे ये मेरा रिश्तेदार। आपके रिश्तेदार देख रहे होंगे। कितना सारा घास इकट्ठा हो गया है वो आगे से जो उधर से आलू खोदे ना, ये देखो इतने सारे आलू ना वेस्ट हो जाते हैं ऐसे पड़े होते हैं खेत में। देखो कोई सड़ा हुआ होता है, चलो इनको इसका बनाते हैं अपने लिए जुगाड़ और ले चलते हैं इसको घर, और फिर मिलते हैं घर जाकर ही। अब भैया की नोजी पकड़ो बेटा नोजी। खेत से वापस आने के बाद अब हो रही है डिनर की तैयारियाँ। यहाँ आलू बॉईल हो रहे हैं, यहाँ नहीं यहाँ 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 तड़का लगा दिया मैंने आलू कड़ी बनाने के लिए। और अभी नहाना है मुझे, और नहाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी आलू कड़ी और साथ में उसका पकौड़े बनाऊंगी। तो थोड़े से पकौड़े बना देते हैं खाने के लिए भी और इसमें कड़ी बनाने के लिए भी। तो चलो नहा के फिर फ्रेश हो के उसके बाद पकौड़े बनाते हैं। चलो फिर चलते हैं। ये देखो मेरा इनोसेंट बच्चा मोगली देखा है टीवी में, और इतना शांत और इतना इनोसेंट बैठा है जैसे उसको सारा समझ आ रहा होगा। बेटू आप क्या देख रहे हो? बेटा क्या देख रहे हो? मोगली? ओ माय गॉड, क्या देख रहे हो बेटा? ये देखो इतने ध्यान से देखती है। रक्षा इतना घबराई हुई क्यों? वो बाला और लाली कहीं खो गए हैं। क्या कहा? ये मोगली देखती है, मोगली मोगली। तो चलो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आकर्षी बाय कर दो बेटा, बाय कर दो, बाय 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 करो, बाय करो बेटा। अभी तो बहुत मस्त हुई है मूवी देखने। वो मेरा मतलब है तभी।